नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेकर आऊँ एक्सरसाइज 3.4 का रिवीजन, और इस एक्सरसाइज को भी हम बहुत शॉर्ट मेथड से करने का प्रयास करेंगे ताकि हम जल्दी आंसर को निकाल पाएं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को दो मेथड्स आपको निकालना है, एक एलिमिनेशन से, एक सब्सटीट्यूशन से, एक विलोपन से और एक प्रतिस्थापन से। बट क्योंकि हम एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं एक्सरसाइज 3.3 में भी कि भले ही हमारे पास तीन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट एलिमिनेशन मेथड आइडियल है क्योंकि बहुत जल्दी आंसर को निकालता है और एक्यूरेट तरीका है, आप जल्दी इससे आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट का लेके आता हूं, सबसे पहला पार्ट देखिए हमारे पास पहला पार्ट क्या है, x plus y equal to 5 और 2x minus का 3y equal to 4। ये आपके पास दो इक्वेशन है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड में x और या y को सिमिलर करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। चलिए इन सब की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y, और 5 2 10, ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि आपने इसकी मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये दोनों सेम हो गए, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 2x कैंसिल हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर ये दोनों सेम साइन है तो हमेशा सेम साइन आएगा, और ये दोनों हमेशा प्लस, अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस होगा, 2 और 3 5y हो जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करोगे 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 6 और 5 आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 6/5 आ गया। ये वैल्यू आपको वापस पहले इक्वेशन में पुट करना, जो पहला इक्वेशन था ये वैल्यू वापस हम ऊपर पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन था, x के नीचे x आ गया, y क्या है, y आपका 6/5 है, 5 की जगह 5 एज इट इज, x की जगह x, 5 की जगह 5, ये प्लस का माइनस का 6/5 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लोगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 की 5 से करो 25, माइनस 6 बन जा 6 हो गया, x इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करो 19/5, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया, ये दो जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा x और y के लिए। ऐसे ही बच्चों अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट देखो, 3x plus y equal to 10 क्या है आपके पास है, 3x plus 4y equal to 10, ये आपका पहला इक्वेशन है, और दूसरा 2x minus 2y equal to 2। तो सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए, किसी एक को तो आपको सिमिलर करना पड़ेगा, तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2 से, और इन सबको सिमिलर करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3 से, क्योंकि क्रॉस में इक्वल होता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 3। चलिए सबकी मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6x आएगा, 4 2 जा 8y होता है, और 10 2 जा 20 हो गया। 2 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे 6x, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6y, 2 3 जा 6, साइन को कर दीजिए चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस कट गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 6 और 8 आपका 14y, और 20 में से 6 को माइनस करोगे अगेन 14, 14 से 14 एक बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 1 है, ये वापस आपको फर्स्ट में पुट करना है, ऊपर वापस पहले में पुट करना है, y आपने 1 निकाल दिया, फर्स्ट क्या था 3x plus 4y equal to 10, यहाँ पे आपको पुट करना है, तो 3x की जगह 3x, 4 की जगह 4, y क्या है, y आपके पास 1 है, 10 की जगह 10, 3x की जगह 3x, 4 1 जा 4, 10 के नीचे 10 आ गया, 3x की जगह 3x, 10 की जगह 10, प्लस का 4 आपका माइनस 4 हो जाएगा, तो 3x equal to 6 आ गया। 3 से 6 को दो बार में कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 1 2 आ गया, y की वैल्यू 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में गलती दे रखा आपको जानबूझ के, ताकि आप चेक किया जा सके कि आप पढ़ के लिख के आए हो या नहीं आए हो। यहाँ पे देखिए, ये तो ठीक है, ये माइनस का 4 आपको इधर लाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो माइनस का 4 आपको प्लस का 4 लाना पड़ेगा। ऐसे सेकंड पार्ट में भी एक गलती दे रखा है जानबूझ के आपको चेक करने के लिए, कि 2x = 9x = 2y + 7। अभी 2x है ये राइट हैंड साइड पर, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर माइनस करना पड़ेगा, ये सही होगा, पहले आपको इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये आइडियल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो पहले को ठीक कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है 3x, मैं यहां लिख देता हूं 3x माइनस का 5y, और ये जो माइनस का 4 है ये इक्वल टू 4 बन जाएगा, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, 9x आपका एज इट इज रहेगा,
प्लस का 2y लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सिमिलर करना है, इन दोनों को सेम करना, हमारा मकसद है इन दोनों को इक्वल करना। तो आप केवल इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, क्योंकि 3 3 9 3 3 9 यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो 3 3 आपका 9x हो जाएगा, माइनस 3 5 आपका 15y हो जाएगा, और 4 3 आपका 12, सेकंड आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव के 15 नंबर है, पॉजिटिव के केवल 2 नंबर है, तो नेगेटिव के 13 नंबर बचेंगे, वाई की जगह वाई। 12 में से 7 माइनस करोगे 5 बचेगा, वाई इक्वल टू 5, और माइनस 13 जो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। अब यही वाई की वैल्यू आपको ऊपर पहले में वापस पुट करना है, तो यहाँ वापस आ गया हम फर्स्ट इक्वेशन पर, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, 3x की जगह 3x, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। देखिए y, y क्या है हमारे पास, माइनस का 5 अपॉन 13। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि नेगेटिव जो है नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, ये इसका मतलब होता है कि ये नंबर नेगेटिव है, तो माइनस कहीं भी लगा सकते हो। तो y की जगह माइनस का 5 अपॉन 13, 4 की जगह 4, 3x की जगह 3x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 5 25 अपॉन में 13, 4 की जगह 4, 3x का 3x, 4 की जगह 4, ये प्लस का आपका, ये जो पॉजिटिव है ये माइनस का 25 अपॉन 13। यहाँ भी आप वही गेम खेलोगे, एलसीएम वाला, एलसीएम लोगे 1 और 13 का 13, 13 4 जा 52 और 25 1 जा 25। तो बच्चों 3x का 3x, 52 में से 25 माइनस करोगे 27 अपॉन में 13, 3 से 27 को काटो 9 आएगा, तो 9 अपॉन 13 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया x के लिए और ये y के लिए। तो ये आपका पहला आंसर और ये आपका दूसरा आंसर, दोनों आंसर आपने फाइंड कर लिए। ऐसे ही बच्चों अगर आप फोर्थ पार्ट को देखो, देखो फोर्थ पार्ट में भी आपको पहले इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको सिखाया था कि कभी भी अपॉन में नंबर दे रखा हो, इस टाइप का हमें नंबर दे रखा हो, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, पहले आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एक्स अपॉन 2 माइनस का 2y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 1 है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 2 को 6 से कैंसिल करो 3 आ गया, 3 को 6 से कैंसिल करो 2 आ गया, तो ये पहला हो जाएगा 3x माइनस 2 जो आपका 4y और 6 की माइनस 1 करो माइनस 6, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, ये फॉर्म आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट भी आपको देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1 और 3 का एलसीएम लोगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3x हो जाएगा माइनस, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कैंसिल होकर y बचेगा, और इक्वल टू में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 आ गया। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब देखो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। देखिए माइनस के 4 सोल्जर है, माइनस के 4 सोल्जर और प्लस का बेचारा 1 सोल्जर, तो माइनस के 3 सोल्जर जीतेंगे। माइनस और माइनस जब सेम साइन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस ही आएगा और ये ऐड होगा हमेशा, तो 15 माइनस से माइनस हटा दो, 3 से 15 काटोगे तो 5 आएगा, तो वाई की वैल्यू आपके पास 5 आ गया, वाई आपने 5 निकाल दिया। अब ये वैल्यू आपको वापस पहले या दूसरे किसी में भी पुट करना है, तो चलिए मैं पहले में पुट कर देता हूँ, 3x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x की जगह 3x, 4 की जगह 4, वाई, वाई क्या है, वाई आपके पास 5 है, माइनस 6 एज इट इज, 3x की जगह 3x, 4 5 20, माइनस 6 अपनी जगह, 3x की जगह 3x, माइनस का 6, माइनस का 20 आपका प्लस 20 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाकर। अब आप 20 में से 6 माइनस करो, 20 में से 6 माइनस कर दोगे, 20 है ना ये, 5 4 20, ये माइनस का 6 था, देखिए माइनस का 6 था, ठीक है, क्लियर है, 3x माइनस 4y माइनस 6, y कितना आया था, 5 आया था, 5 4 20, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब आप 20 में से 6 को हटा दोगे, 20 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 14 आ गया, तो x इक्वल टू 14 अपॉन 3, एक बार मैं चेक कर लूँ कोई हमने गलती तो नहीं करी है, एक बार बच्चों मैं चेक कर लूँ, ये 3x था, ये 4y था और इक्वल टू माइनस 6 था, ठीक है, 3x 4y 20 माइनस का प्लस, 20 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14 अपॉन में 3, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, कुछ बच्चों के बुक में ये माइनस, जैसे मेरे बुक में माइनस है, आपके बुक में यहाँ प्लस होगा, तो अगर यहाँ प्लस लगाओगे तो दूसरा आंसर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
मेरी बुक में यहाँ माइनस है, तो मेरा आंसर तो ये आया जैसा आप देख रहे हो कि 5 और 14/3, बट कुछ बच्चों की बुक मैंने देखा था यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस लगाओगे तो दूसरा आंसर आएगा। तो आप किसी भी अकॉर्डिंग करो, मेन तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आ गया और वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप का हम बहुत कर चुके हैं तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आए तो आप x अपॉन y दिमाग में रखिए, x अपॉन y है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसको अंश बोलते हैं इसको हर बोलते हैं, बस इतना याद रखना, ये अंश है ये हर है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। अब इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश में एक जोड़ना है तो एक में जोड़ दीजिए, जैसा कहे वैसा करिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करना यहां पर। अनसब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर से, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर वाई है, इसमें से एक माइनस कर देना, इसमें एक ऐड करना है इसमें एक माइनस करना है, जैसे बुक में बोला गया इक्वल टू क्या है, तो फ्रैक्शन जो हो जाता है वो 1 हो जाता है, फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ऐसा करने से फ्रैक्शन आपका 1 हो जाता है, तो 1 लिख दीजिए अपॉन में 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोला कि अंश में एक जोड़ो हर में से एक माइनस करो, तो अंश में एक जोड़ दो हर में से घटा दो, फ्रैक्शन 1 हो जाता है, 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 की 1 से करूंगा x प्लस 1 रहेगा, y माइनस 1 की 1 से करूंगा y माइनस 1 रहेगा, x की जगह x लिख दीजिए, ये जो प्लस का y है इधर आके माइनस y हो जाएगा, माइनस 1 की जगह माइनस 1 और ये प्लस का 1 इधर ले दीजिए तो माइनस 1, तो x माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये आपका पहला इक्वेशन बन चुका है। समझ गए बच्चों, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, पहला केस ये बन गया। नाउ सेकंड केस देखिए, फुल स्टॉप के बाद सेकंड केस क्या कहता है कि यही फ्रैक्शन जो है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 हो जाएगा, आपका भिन्न 1 अपॉन 2 हो जाएगा, कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, अगर हम 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, सर एक बात बताइए ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, वो कह रहा है केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पे 1 अपॉन 2 हो जाता है, तो ये 1 अपॉन 2 लिख देंगे। अब इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से करोगे 2x हो जाएगा, y प्लस 1 की 1 से करो y प्लस 1 2x, प्लस का y आपका माइनस y इक्वल टू 1, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया ना, आपके पास देखिए दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, अब दोनों का एलिमिनेशन मेथड तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 ये पहला था और 2x माइनस y इक्वल टू 1 ये दूसरा है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो y और y सेम है, कोई भी एक सेम होना चाहिए, y और y सेम है तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सेम होना चाहिए, y और y सेम है तो मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, x में से 2x घटाओगे तो माइनस x बचेगा, x में से 2x को माइनस करोगे तो माइनस x बचेगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 2, देखिए माइनस सेम साइन है ना, सेम साइन है तो माइनस आएगा और हमेशा ऐड होगा, तो 3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, x की वैल्यू 3 आ गया, तो x आपने 3 निकाल लिया। अब आपको y निकालना है तो या तो इसे फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दिए, जहां आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट में ही पुट करेंगे, आप सेकंड में पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, देख लीजिए अगर मैं सेकंड में पुट कर दूं क्या होगा, 2x माइनस y इक्वल टू 1, यही था ना मेरे पास, 2 x क्या है, x है मेरे पे 3, माइनस का y इक्वल टू 1, तो माइनस y इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 और प्लस का 6 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 1 में से 6 घटाऊंगा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू 5 आ गया, x क्या था 3 था और y क्या था 5 था, आपने फ्रैक्शन क्या माना था, आपने फ्रैक्शन कैसे माना था, आपने फ्रैक्शन माना था x अपॉन y, जो आपका भिन्न था वो क्या था x अपॉन y, x न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर, आपने फ्रैक्शन x अपॉन y माना था, आपका x कितना आया, x आपका 3 आया, 3 और भिन्न y, y कितना माना था, तो 5 माना था, तो 5, तो एक्चुअल में फ्रैक्शन जो है वो 3 अपॉन 5 है, क्योंकि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये x आ गया ये y आ गया, तो फ्रैक्शन 3 अपॉन 5 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन देखिए, आप कई बार कर चुके हो, 5 ईयर्स एगो, याद कीजिए मैंने आपको कई बार बताया 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, नूरी वा थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यहां दो लोग हैं, एक नूरी है और एक सोनू है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखिए ये नूरी है, ये नूरी है और ये सोनू है, नूरी मेरे लिए x है, सोनू मेरे लिए y है,
अब आपसे कहा जा रहा है द फाइव ईयर्स एगो, 5 साल पहले, हिंदी बोलेंगे 5 साल पहले, तो 5 इसमें से भी कम करना पड़ेगा, 5 इसमें से भी कम करना पड़ेगा, x माइनस 5 लिख दो, y माइनस 5 लिख दो, बीच में इक्वल लगा दो। अब नूरी जो है वो थ्राइस है, यानी नूरी 3 गुना है किसके, सोनू के, तो हमें सोनू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि सोनू छोटा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें जब y की मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी की मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 3 की y से करोगे 3y, माइनस 3 की 5 से कर दो 15 हो गया, x की जगह x आ गया, प्लस का माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 15 एज इट इज, और माइनस का 5 आप इधर ले जाओगे प्लस का 5 हो जाएगा, x माइनस 3y और माइनस का 15 और प्लस का 5 ये आ जाएगा माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1, ये आपने इक्वेशन 1 तैयार कर दिया। सेकंड पार्ट पर ये, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद, हिंदी बोलेंगे 10 साल बाद। एक बात बताओ 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद इसकी एज भी 10 ईयर बढ़ जाएगी और इसकी एज भी 10 ईयर बढ़ जाएंगी, दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे ना, इसकी 10 ईयर भी एज बढ़ जाएगी, इसकी 10 ईयर भी एज बढ़ जाएगी, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, x में भी 10 ऐड कर देंगे और y में भी 10 ऐड कर देंगे, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद हुआ क्या, अब नूरी जो है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा सोनू के मुकाबले, तो हमें सोनू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से ताकि दोनों इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 की y से करिए 2y और 2 की 10 से करिए तो 20, x की जगह x, ये जो प्लस का 2y ये माइनस का 2y हो जाएगा, 20 की जगह 20 लिखोगे, प्लस का 10 आपका माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 2y एज इट रहेगा, 20 में से 10 घटाओगे 10 आ गया, ये आ गया सेकंड पार्ट। 2 इक्वेशन आपके पास तैयार हैं, चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। फायदा क्या है कि आपको साइन चेंज करना है केवल, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, देखिए ना ये दोनों सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, केवल साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस ये चेंज हो गया, 3 सोल्जर माइनस के, 2 सोल्जर प्लस के, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 10 और माइनस, देखो दोनों सेम साइन है, सेम साइन में ये आ गया और 10 और 10 20, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, y की वैल्यू 20। अभी जो y आया वापस पहले में पुट कर दो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 एज इट रखिए, x की जगह x, 3 की जगह 3y, y क्या निकाला था, y आपने 20 निकाला था, 10 की जगह 10, x माइनस 20 की 3 से करोगे आ जाएगा 60 इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10 और माइनस का प्लस कर दोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2 इक्वेशन है, साइन चेंज कर दो, x x कैंसिल हो गया, ये माइनस का y बचेगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, तो जो सोनू है वो 20 साल का है और जो नूरी है वो 70 साल का है, इस प्रकार से हम इनका एज निकाल सकते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं, देखिए अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, अगर आप कर लोगे तो एग्जाम्पल नंबर 13 जरूर ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 13 बिल्कुल इसी तरह है तो वो जरूर ट्राई कर लेना। द सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट समझते हो ना, 10 से लेकर 99 तक, इन्हें बोलते हैं 2 डिजिट के नंबर, 10 से लेकर 99 तक, तो 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम जो है वो 9 है। मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई को, 2 डिजिट का नंबर है, एक मेरे लिए एक्स है एक मेरे लिए वाई है, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का सम जो है, इन 2 डिजिट का जो सम है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9, दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, इसका ये मतलब बच्चा कि x प्लस वाई दोनों मिलकर 10 है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है ये 10 डिजिट है, दोनों मिलकर 10 हो गया, और वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा x प्लस 10y। अब आपको कि 10 कहाँ से आया, अगर आप नंबर लिखते हो 12 तो 2 तो 2 ही रहता है, लेकिन इस 10 का मतलब बच्चों 10 होता है, तभी तो 10 और 2 12 होगा। आप लिखते हो 25 तो 5 तो 5 ही रहता है, लेकिन 2 जो होता है वो एक्चुअल में 20 होता है, 20 और 5 25 तभी तो होगा। तो जो 10 डिजिट होता है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, इकाई दहाई आपने पढ़ा होगा, ये दहाई है, इसे दहाई बोलते हैं, 10 डिजिट बोलते हैं, इसके साथ 10 लगा होता है हमेशा, तो यूनिट डिजिट तो x ही है, यूनिट डिजिट x है, 10 डिजिट के साथ 10 लगेगा इक्वल टू। अब पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, ये रहा आपके पास नंबर, ये रहा इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, आगे इस नंबर का जो 9 गुना है वो ट्वाइस है, डबल है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अभी रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट क्या होता है, रिवर्सिंग का मतलब है कि आपके पास एक्स वाई था ना, ये वाई एक्स हो गया उल्टा, ये यहां और ये यहां उल्टा हो गया, आपके पास x प्लस 10y था ना, आपने क्या कहा था, मेरे पास x प्लस 10y है, तो रिवर्स कर दो,
तो रिवर्स करोगे तो y पहले आ जाएगा और 10x बाद में चला जाएगा, समझ रहे हो? रिवर्सिंग का मतलब है ये y पहले आ जाएगा, x बाद में चला जाएगा, तो रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसका डबल है। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना, आगे ट्वाइस, दो गुना है, ट्वाइस है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो नंबर आया रिवर्स करके उसका डबल है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ये फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो 9x, मल्टीप्लाई करो 90y, और y की 2 से करोगे ये 2y हो जाएगा, 2 की 10 से करोगे ये 20x हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, 9x प्लस का 90y माइनस का 2y माइनस का 20x इक्वल टू 0, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, 9 में से 20 घटा दो, 9x में से 20x को हटा दो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस का 11x, और 90 में से 2y घटाओगे तो प्लस का 88y, 90y में से 2y घटाओगे तो 88y इक्वल टू 0। शुरू में अगर माइनस हो, बच्चों मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, शुरू में माइनस हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। अब ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से काटो, 11 से काटोगे तो x बचेगा, 11 से काटोगे तो 8 बचेगा, तो ये आ गया दूसरा इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, पहला इक्वेशन ये रहा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम्पल 13 जरूर ट्राई करना। तो x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये पहला आया था, और x माइनस 8y जो है वो 0 है, ये दूसरा आया आपके पास। यहाँ आपको केवल साइन चेंज करना है क्योंकि x और x सेम है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 0 के लिए कुछ करो मत, x x कट गया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 8y में y ऐड करोगे तो 9y, और 10 ये कितना था, 10, 10 में से 0 गया तो आपका 10 ही बचेगा, तो y इक्वल टू, एक बार चेक कर लो बेटा कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार बस एक बार देख लूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, या 9 था ना, सॉरी बच्चों सम ऑफ द डिजिट 9 था, आई एम सॉरी बेटा, ये गलती मैंने करी, सम ऑफ द डिजिट 9 था बेटा, यहाँ 9 लिखना था मुझे, बाकी सब सही है, बाकी कुछ मत करना, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 है बेटा, ठीक कर लेना, सम ऑफ डिजिट 9 है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है सब, ये 9 आएगा, तो 9 से 9 कैंसिल 1। देखिए इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर बाई चांस मैंने जल्दबाजी में यहाँ 9 था, मैंने यहाँ जल्दबाजी में 10 लिख दिया, ये भी सही हुआ, भगवान की कृपा जो होता है सही होता है, अच्छे के लिए होता है, सही हुआ कि मैंने 10 लिख दिया ताकि आप समझ पाओ, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। मेरी प्रैक्टिस देखो इतनी बार है कि जब मैं यहाँ पर दिखा रहा तो मुझे शक हो गया कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि आंसर याद हो चुके हैं मुझे, सारे आंसर याद हैं, तो मुझे पता आंसर गलत आ रहा है, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ, और मैंने चेक करा मुझे गलती मिल गई। तो यही चीज़ एग्जाम में आपके साथ भी होगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको अधिकतर आंसर याद होगा, आप आंसर करते हुए आपको बहुत मजा आएगा, अधिकतर चीज़ आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। तो 9 से 9 कैंसिल, y बना गया, अब y की वैल्यू आप पहले में पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x प्लस y कितना आया, y 1 आया इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और प्लस का माइनस 1, तो x की वैल्यू 8 आ गया। तो नंबर क्या आया, नंबर क्या लेट किया था आपने, नंबर लेट किया था एक्स वाई, ये लेट किया था ना आपने कि एक्स वाई नंबर है, तो x जो है वो 8 आया और y जो है वो 1 आया, इसी प्रकार से ना। या आप अगर मान लो आपने नंबर ऐसे कर निकालना चाहो, आप चलो इसको मत निकालो, आप इसको देख लो, सम ऑफ डिजिट 9, ये तो आपने दे ही रखा था, आपने नंबर क्या माना था, x प्लस 10y माना था ना, x प्लस 10y, x प्लस 10y, इसमें पुट कर सकते हो आप अपने आंसर की जांच के लिए, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट करके देख लो, x प्लस 10y, x प्लस 10y, इसमें पुट करके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, x कितना था 8 था, 10 की जगह 10, और y कितना था 1 था, तो 8 की जगह 8 और 10 1 जा 10, तो ये आपका 18 आ गया, तो 81 नहीं आएगा, 18 आपका आंसर आएगा, इस पे टिक करना, ठीक है बेटा। तो इससे इसके चक्कर में मत पड़ना, नंबर निकाल लो, नंबर क्या माना था आपने, नंबर आपने माना था x प्लस 10y, तो x कितना आया था, x की वैल्यू आपके पास 8 आया था, ये देखिए 8 आया था x की वैल्यू, x प्लस 10y नंबर माना था, x आपका 8 आया, 10 की जगह 10, y आपका 1 आया था, 10 1 जा 10 और 10 में 8 ऐड कर दो तो 18, 18 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ये केस स्टडी में आ चुका है, एक स्कूल के पेपर में अभी हाल में देखा था मैंने, तो मैं आपको फोर्थ पार्ट केस स्टडी के फॉर्म में बताऊंगा, वहाँ कुछ नहीं करेंगे, आपको एक बैंक बना देंगे और बैंक के फॉर्म में बस एक डायग्राम दे देंगे और बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेगा। मीना, देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक गई 2000 रुपये निकालने, शी आस्क्ड द कैशियर, उन्होंने कैशियर से पूछा तो कि उनको 50 के नोट और 100 के नोट दो बस। मीना ने कहा कि मुझे केवल 50 के नोट दे दो और 100 के नोट दे दो, बस दो टाइप के नोट दे दो।
तो ये मेरे लिए एक्स है, ये मेरे लिए वाई है, ये मेरे लिए एक्स है और ये मेरे लिए वाई है। अब मीना को मिले 25 नोट, मीना को क्या मिले 25 नोट, तो एक्स और वाई दोनों मिलाकर 25 नोट मिले। एक इक्वेशन ये बन गया कि भाई दोनों नोट मिलाकर 25 बने। अब 50 वाले एक्स है यानी 50x लिखेंगे इसको, और 100 वाले वाई हैं तो 100y, दोनों मिलाकर रुपए कितने होंगे तो 2000। ये तो हो गए नोट का इक्वेशन, इसे बोलते हैं इक्वेशन फॉर नोट। ये इक्वेशन जो बना वो नोट के लिए बना कि दोनों नोट मिला के 25 नोट, और ये जो बना रुपीज के लिए कि 50 रुपीज वाले एक्स और 100 वाले वाई दोनों मिलाकर, पैसे तो काउंट करूंगा ना कि टोटल कितने हुए, तो टोटल हो गए 2000। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, कैसे, 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 50 कैंसिल करोगे एक्स बचेगा, 50 से काटोगे 2 बचेगा, और 50 से कैंसिल करोगे तो 40 आ जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि इक्वेशन सॉल्व करना आसान होगा। पहला इक्वेशन x प्लस वाई 25 आ गया, दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y आ गया इक्वल टू 40, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो गया, प्लस का एक है, प्लस के एक है और माइनस के दो है, तो माइनस का y बचेगा। 25 में से 40 को माइनस करोगे, 25 में से 40 माइनस करो तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 15 आ गया, और ये y की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स प्लस वाई, वाई कितना है, वाई आपका 15 है, 25, एक्स की जगह एक्स, 25 की जगह 25, प्लस का आपका माइनस हो गया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, यानी 50 वाले नोट 10 आ गए और 100 वाले नोट जो है वो 15 आ गए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे केस स्टडी में। केस स्टडी में क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे, एक आपको बैंक बना दिया जाएगा, एक बैंक है जहां पे दिखा देंगे कि दो चार लोग हैं, 50 के नोट आपको दिखा देंगे नए वाले मोदी जी वाले, 100 के नोट आपको दिखा दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछेंगे, पहले पूछेंगे पहला इक्वेशन बताओ, एक नंबर ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन बताओ ये मिल गया, फिर 100 वाले नोट कितने हैं 15 है, 50 वाले नोट कितने हैं ये है। इस टाइप की केस स्टडी आती है, तो घबराना नहीं है केस स्टडी से, ये वर्ड प्रॉब्लम ही केस स्टडी है। नाउ आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक लीडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेती है, याद कीजिए फिक्स चार्ज मैंने आपको बताया था, ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो होता है वो एक्स होता है कि भाई मैं एक्स रुपीज लूंगा ही। तो एक लीडिंग लाइब्रेरी जो फिक्स चार्ज लेती है फर्स्ट 3 डेज के लिए, 3 दिनों के लिए, 3 डेज के लिए, 3 दिनों के लिए फिक्स किराया, 3 दिन के लिए फिक्स किराया लिए के लेकर बैठा हुआ है वो, और एडिशनल चार्ज लेता है फॉर ईच डे, उसके बाद अगर आप किताब रखते हो तो एडिशनल चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। सरिता, सरिता क्या करती है, 27 रुपये पे करती है एक बुक के लिए जो वो 7 दिन रखती है, 7 दिन रखती है। एक बार बताइए, दो टाइप का किराया दूंगा ना, एक फिक्स और एक पर डे के हिसाब से, एक फिक्स वाला एक पर डे के हिसाब से। तो सरिता ने एक तो 3 दिन के लिए एक्स दिया, सरिता ने 3 दिन के लिए एक्स रुपये दिया होगा, और एक्स्ट्रा कितने रखे, तो 4 दिन रखे, क्योंकि टोटल उसने 7 दिन किताब रखी है, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है ना भाई, प्रभु 3 दिन का किराया तो फिक्स है ना, तो एक्स्ट्रा कितना रखे, तो 4 दिन और रखे, तो 4y टोटल मिला के 27 रुपये दिए। ये हो गया पहला इक्वेशन। वही एक दूसरा बच्चा है सूजी, सूजी ने 21 रुपये पे करे, सूजी ने 21 रुपये पे करे फॉर द बुक शी कैप फॉर द 5 डे, उसने 5 दिन के लिए रखा, तो 5 दिन में 3 दिन का किराया तो एक्स है, 3 दिन का किराया एक्स है, बचे कितना, तो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखे, 3 दिन तो एक्स है, 3 दिन के लिए एक्स है, तो एक्स्ट्रा कितने रखे, 2 दिन एक्स्ट्रा रखे, तो एक्स प्लस 2y 2 डेज एक्स्ट्रा रखे और पैसे दिए 21। तो आप सॉल्व कर सकते हो साइन चेंज करके, क्योंकि एक्स और एक्स सेम है, तो माइनस माइनस माइनस, एक्स कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव 2 है, तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटा तो 6 आएगा, 2 से काट दोगे 3, तो y की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू वापस रख दो, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 प्लस का 12 आपका माइनस हो जाएगा, 27 में 12 घटा दो 15, तो ये 15 आ जाएगा आपका आंसर फिक्स चार्ज, और पर डे का किराया 3 रुपये का। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से कहूँगा ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं क्वेश्चनों को बहुत जल्दी लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप एक बार ऑलरेडी मैं इनको करा चुका हूँ, आप दूसरी बार कर रहे हो तो कोशिश करो आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, आंसर तो आपको आता है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ ताकि आप एग्जाम जल्दी कर पाओ। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई चीज़ सामने आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो बैच में पूछ लेना। नमस्कार सभी को।